नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को विनर मिल गया है। साथ ही इस शो पर सलमान खान का मंच पर दिया गया एक बयान काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। बिग बॉस के घर में पूजा भट्ट जब बाहर हुई तो एक्टर ने पूजा के शौचालय साफ करने के जुनून के बारे में बात की। सलमान ने कहा कि उन्होंने घर के शौचालय को कभी इतना साफ नहीं देखा जितना पूजा ने हमेशा साफ रखा। उन्होंने कहा कि सीजन में टॉयलेट एकदम साफ रहे हैं और पूजा ने अपना काम हमेशा से ही शिद्दत से किया है। इस दौरान सलमान ने बोर्डिंग स्कूलों में शौचालयों की सफाई को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जब वो जेल में बंद थे तो उन्होंने भी यही सफाई की थी। शो के दौरान सलमान खान ने यह भी कहा कि बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म एक भारतीय रियलिटी शो बन गया है। पहले शो को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया था। लंबे समय से बिग बॉस को होस्ट कर रहे सलमान पहली बार शो के ओटीटी सीजन को होस्ट कर रहे थे। बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में फैंस के प्यार ने एल्विश यादव को जिता ही दिया। कई दिनों से इस शो के विनर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इस सीजन में ट्रॉफी कौन अपने नाम करेगा। ज्यादातर लोगों की जुबान पर एल्विश यादव का ही नाम था। पूरे दिन एल्विश यादव इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड में रहे। जहां वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे, वहीं गूगल पर भी वो टॉप सर्च में ट्रेंड कर रहे थे। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के एक इंस्टा पेज के अनुसार फैंस ने एल्विश को 21.9 मिलियन वोट्स दिए हैं। जीतने के बाद एल्विश अपने दोस्तों को नहीं भूले। उन्होंने जीत के जश्न के दौरान अपनी ट्रॉफी मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान को डेडिकेट की और उनके साथ शेयर भी की। खैर, आप सब भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही बताइएगा कि आप एल्विश यादव के शो जीतने से कितना ज्यादा खुश हैं और क्या वाकई में आपको भी पूजा भट्ट की सफाई इतनी ही पसंद आई जितनी सलमान खान को पसंद आई। ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।